اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال تعالى ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير हर किस्म दी हमदो सना अल्लाह जल्ला शानहु दी जात अकदस वास्ते है। दरूदो सलाम आकाए कायनात सैयदुल अव्वलीना वल आखिरीन इमाम आजम इमाम कायनात इमामुल मुर्सलीन इमामुल मुजाहिदीन सैयदना जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ली जाते अक्दसो अतहरो आला और बालावास्त हजरात मोहतरम हर चीज की एक असलियत हुंदी है और एक कैफियत हुंदी है। असलियत हमेशा अपनी जगह ते बरकरार रहिंदी और कैफियत जड़ी है वो बदलती रहिंदी। मसलन मिट्टी ले लो, मिट्टी असलियत है, अगों एदियां कैफियतां अलग अलग ने। मकान बन गया मिट्टी दे, इंसान बन गया मिट्टी दे, इंसान दा हाथ कैफियत दी हाथ ते लेकिन असलियत दी मट्टी। इसी तरह इबादत अंदर भी यही मसला है, एक असलियत है और दूसरी कैफियत है। असलियत अंदर अल्लाह दी इबादत है और कैफियत अंदर एदियां मुख्तलिफ शक्लां ने। नमाज भी अल्लाह की इबादत है, हज भी अल्लाह की इबादत है, रोज़ा भी अल्लाह की इबादत है, उमरा और कुर्बानी भी अल्लाह की इबादत है। यानी असलियत दी इबादत अगों कैफियात जड़िया ने वो अलग अलग ने। और ए जड़े दिन चल रहे ने ए इतने अजीम दिन ने कि अल्लाह पाक ने इन्हां दिनां दे अंदर बड़िया बड़िया इबादत नूं कठियां कर दिता है, जमा कर दिता है। हज बड़ी इबादत,
उमरा बड़ी इबादत, रोज़ा बड़ी इबादत, ज़कात कुर्बानी बड़ी इबादत। अल्लाह पाक ने इन्हां दिनों के अंदर ये सारियां इबादतां जमा कर दित्तियां। आइए जरा इन्हां इबादात ते थोड़ा जा गौर करने हैं और इन्हां दा जायजा लेने हैं। और अल्लाह पाक दी बारगाह दे अंदर दुआ करने हैं कि अल्लाह पाक जो कुछ सुने सुनाइए उदे ते अमल दी तौफीक अता फरमाए। मेरे और तुसां दे पीरो मुर्शिद जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पैगंबर दे सीनाए पाक दे नादल होण वाला अल्लाह दा कुरान इबादत दा जिक्र करदा है। इन्हां दिनां दे अंदर सब तो पहली इबादत अल्लाह दे जिक्र दी इबादत, अल्लाह नूं याद करन दी इबादत। अल्लाह पाक ने हुक्म दिता है खसूसन इन्हां दिनां दे अंदर अपनी इबादत दा। सूराए आला हज अंदर फरमाया लियशहदू मनाफिअ लहुम व यज़्कुरु इस्मल्लाहि फी अय्यामिम मअलूमातिन अला मा रज़क़हुम मिन बहीमतिल अनाम फकुलू मिन्हा व अतइमुल बाइसल फकीर। फरमाया कायनात दे लोगो लियशहदू मनाफिअ लहुम व यज़्कुरु इस्मल्लाह, लोगों नूं चाहीदा है इन्हां दिनां दे अंदर अल्लाह दा जिक्र करिया करन, कसरत दे नाल अल्लाह पाक नूं याद करिया करन। लियज़्कुरु इस्मल्लाह, अल्लाह पाक दा जिक्र करन फी अय्यामिम मालूमातिन, ए मालूमात दिनां दे अंदर। मुफस्सरीन फरमांदे ने अय्याम मालूमात तो मुराद ज़ुलहज्जा वाले दिन ने, यानी यकम ज़ुलहज तो लग के दस ज़ुलहज, ग्यारह ज़ुलहज, बारह ज़ुलहज और फिर तेरह तक, तेरह ज़ुलहज तक ये सारे अय्याम दे अंदर अल्लाह दी इबादत करो कसरत नाल, अल्लाह दा जिक्र करो कसरत दे नाल। और सब तो ज्यादा इन्हां दिनां दे अंदर अल्लाह दा जिक्र केड़ा करना है, तकबीरात वाला जिक्र, तहलीलात वाला जिक्र, तस्बीहात वाला जिक्र, अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा। मुसन्नफ इब्न अबी शैबा दी रवायत मौलाना इब्राहिम नखई रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे ने इन्हां दिनां दे अंदर ऐ तकबीरात दे दराने बुलंद करने चाहिए ने, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द अल्लाहु अकबर कबीरा वलहम्दुलिल्लाहि कसीरा वसुबहानल्लाहि बुकरतम वासीला। कसरत दे नाल इन्हां दिनां दे अंदर तकबीरात दे तराने बुलंद करो। और सहाबा इकराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन
मक्का मुकरमा दे अंदर हुंदे तकबीरात दे तराने बुलंद कर दे हर में काबा दे अंदर अल्लाह दे घर अंदर बैतुल्ला दे अंदर अल्लाह अकबर दे तराने बुलंद कीते जांदे बाजार वाले लोग सुन दे ओ भी सुन के तकबीरात कहन लग जांदे घरां वाले लोग सुन दे ओ भी सुन के तकबीरात कहन लग जांदे हद तक पूरा मक्का तकबीरात दे तरानियां दे नाल गूंजन लग पैंदा अल्लाह दे फजल नाल कल भी मक्का तकबीरात दे तरानियां नाल गूंज रिहा सी और अज भी मक्का तकबीरात दे तरानियां नाल गूंज रिहा है और कयामत तक इंशाअल्लाह मक्का तकबीरात नाल गूंजदा रहेगा कहो इंशाअल्लाह अल्लाह अकबर अल्लाह इन्हां दिनां दे अंदर अल्लाह दा जिक्र करो कसरत दे नाल तकबीरात दे तराने बुलंद करो जिन्ना रब दा जिक्र करोगे ओनियां नेकियां बहुतियां मिलगियां जे जा के बंदा बह के तबसरा करदा रहे लो जी कुरबानी महंगी हो गई है हुण कुरबानी सस्ती हो गई है हुण कुरबानी नूं इंज हो गया है हुण कुरबानी नूं इंज हो गया है इन्हां तबसरियां तो बेहतर है कि बंदा बह के अल्लाह दा जिक्र करदा रहे अल्लाह अल्लाह मैं कुरबान जावां तवज्जो करना दराओ दिल को अगर चमकाना हो तो करिए जिक्र इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह कोई बतलाए दरियाओं को ऐसी रवानी किसने दी किसने चमकता दिन बख्शा रात सुहानी किसने दी उसी के नाम के गुन गाते हैं इब्राहीम खलीलुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह अल्लाह तवज्जो करना दरा फरमाया ली यशहदू मनाफ़िअ लहुम व यज़्कुरु स्मल्लाहि फी अय्यामिन मालूमातिन अला मा रज़क़हुम मिन बहीमतिल अनाम अल्लाह एक ते जिक्र अल्लाह दा करना इन्हां दिनां दे अंदर कसरत नाल अल्लाह तौफीक अता फरमाए और दूसरे नंबर ते इन्हां दिनां दे अंदर नवाफिल ज्यादा पढ़ने ने अल्लाह पाक दी बारगाह दे सामने सजदे ज्यादा करने ने फर्द नमाजा ते पढ़निया ही पढ़निया ने फर्जा तो इलावा नफलां दा भी ए तमाम कर कसरत दे नाल नफल पढ़िया कर अल्लाह अल्लाह मैं कुरबान जावां दो कम हो गए ते तीजा केड़ा कम करना इन्हां दिनां दे अंदर तीसरा कम है रोज़ा रखण वाला अल्लाह 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 मैं कुरबान जावां वैसे ते यौमे अराफा नौ दिनां तक अशरा जुल हज्जा दे नौ दिनां दे रोज़े ये भी बड़ी चंगी गल है ये भी बड़ी आला गल है बड़ी अजमत वाली गल है कि बंदा इन्हां सारिया दिनां दे रोज़े रखे नौ जुल हज तक ते जे नहीं ते फिर कम अज कम यौमे अराफा दा रोज़ा ते रखना चाहिदा है ना नबी पाक अलैहि सलाम ने फरमाया आका फरमाते ने सियाम यौमे अराफा कायनात दे लोगो यौमे अराफा दा रोज़ा जड़ा है ना आह तसिबु अलल्लाहि अयो कफेरा अल्लाह दी जात अगर मैं उम्मीद रखना वा अल्लाह ताला यौमे अराफा दा रोज़ा रखण दी वजह तो अल्लाह पाक एक साल पिछले दे गुनाह एक साल अगले दे गुनाह अल्लाह पाक माफ़ फरमा देंदे ने यानी जेड़ा बंदा यौमे अराफा दा रोज़ा रखेगा यानी नौ जुल हज दा रोज़ा रखेगा
इंज समझ लो कि नौ ज़ुलहज्जा दा रोजा जिहड़ा बंदा रख लै, नबी पाक फरमांदे ने मैं उम्मीद रखना अल्लाह दे दो साल दे गुनाह माफ कर देंगे, यानी 2022 दे भी माफ ते 2023 दे भी 2023 दे भी माफ, दो साल दी अल्लाह पाक गुनाहों नूं माफ कर देंगे। अल्लाह पाक यौम आरफा दा रोजा रखण दी तौफीक अता फरमाए। अल्लाह अल्लाह तवज्जो करना खदरा तेजी वकार, गौर कर दे जाना दरा, कईआं बंदिआं नूं भुलेखा लग जांदा है। लाओ जी यौम आरफा इत्थों दा मनना है या सऊदी अरब दा मनना है? उत्थे यौम आरफा एक दिन पहले आएगा, इत्थे एक दिन बाद अंदर आएगा, किहड़े दिन दा रोजा रखना है? भाई जान आपां अपनी तारीख दे मुताबिक रखना है। हुण साडा जिहड़ा 9 ज़ुलहज वह बनता पिया कल, यानी हफ्ते वाले दिन असी यौम आरफा कल दा रोजा रखांगे। जे जाए कि सऊदिया जनाब यौम आरफा होर दिन बने, एक दिन पहले बने, उदू असी उन्हां वल नहीं, असी अपनी रूटीन दे मुताबिक रखना है। हाँ अगर कोई बंदा चाहता है कि मैं जनाब उन्हां दे नाल भी रल के रखना है, तो अज का भी रख लो, कल का भी रख लो, दो दिनों का रख लो। अल्लाह अल्लाह तवज्जो करना खदरा तेजी वकार, गौर कर दे जाना दरा। मैं मैंने एक बंदा मसला पूछन लगा है, हाई कह लगा जी हुण फिर रोजा केड़ा रखिए, ए 10 वाला रखिए या जनाब एक दिन पहले दा रखिए? सऊदिया दे हिसाब नाल एक दिन पहले रखना पैंदा है, इत्थे दे हिसाब नाल 9, 10, 10 ए हफ्ते वाले दिन बनता पिया है। मैं आख्या तू दोवां दिनों का रख लै, कहिंदा जी मसला पुछण तो बगैर ही चंगे सां, एक रखना पैंदा सी, मसला पुछ लिया दो रखने पै गए, चंगा मसला पुछया दो रोजे पै गए। है अल्लाह अल्लाह तवज्जो करना खदरा तेजी वकार, गौर कर दे जाना दरा। मैं जिन्ना बातां दा जिक्र पिया करना दरा मुहब्बत नाल प्यार नाल सुन दे चले जाना। अल्लाह 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 इन्हां दिनां दे अंदर रोजियां दा इत्माम करना है, और खसूसन यौम आरफा यानी 9 ज़ुलहज दा रोजा जरूर रखना है को इंशाअल्लाह। अल्लाह अल्लाह तवज्जो करना दरा हजरात तेजी वकार, अगे चलिए और इन्हां दिनां दे अंदर वेखो ना किड़ियां किड़ियां मेन इबादत इन्हां दिनां दे अंदर आंदियां पईआं ने। रोज़ा भी आ गया इन्हां दिनां दे अंदर, नवाफल भी आ गया इन्हां दिनां दे अंदर, अल्लाह दा जिक्र भी आ गया इन्हां दिनां दे अंदर। हुण होर अगे चलिए हजरात तेजी वकार, इन्हां दिनां दे अंदर एक और बड़ी अजीम शान इबादत आने वाली है, जिस इबादत का नाम हज है। हज बड़ी अजीम इबादत इन्हां दिनां दे अंदर, अल्लाह पाक फरमांदे ने अपनी पाक किताब कुरान पाक अंदर फरमाया वलिल्लाही अलन्नासी हिज्जुल बैती मन इस्तता इलैहि सबीला, अल्लाह अल्लाह बमन कफरा फइन्नल्लाह गनीयुन अनिल आलमीन। अल्लाह अल्लाह फरमाया वलिल्लाहिया लन्नासी हिज्जुल बैत, लोकां उत्ते असीं लाजम कर दिता है हज करिया करन अल्लाह दे घर दा। हज के दे लई करना? लिल्ला अल्लाह वास्ते। के दे लई बोलो? अल्लाह वास्ते। उमरा के दे लई बोलो? अल्लाह वास्ते। तवाफ के दे लई बोलो? अल्लाह वास्ते। इत्थे मैं सुनिया है कईआं कबरां दा भी लोकी तवाफ तय करदे ने, कईआं मजारां दा भी लोकी तवाफ तय करदे ने, कई जनाब पीर साहब नूं दरम्यान अंदर बहा के ते उहदे आले दुआले फिर के उहदा भी तवाफ पै करदे ने, उहदे भी चक्कर लगांदे पै ने। हज़रात तेज़ी वकार
गल बड़ी सीधी सीधी ते साफ है। जड़ा बंदा इत्थे किसे कबर दे चक्कर लाए वो चक्कर ही रह जाणगे, जड़ा बंदा इत्थे किसे जनाब किसे कमरे दे चक्कर लगाए वो चक्कर ही रह जाणगे, जड़ा बंदा इत्थे किसे पीर नू या पीड़ नू दरम्यान विच बिठा को दे आले दुआले चक्कर लाए वो चक्कर ही रह जाणगे। अगर किसे चक्करां दा अजर मिलना है ते सिर्फ और सिर्फ खाना काबा ते बैतुल्ला दे चक्करां दा अजर मिलना है, होर किसे चक्करां दा अजर लभना, बाकी चक्कर ही रह जाने ने। अल्लाह अल्लाह तवज्जो करना दरा हजरात ते जीवकार गौर कर दे जाना दरा, ए सारियां कौमां इंज दियां ही ने, ए इन्हां नूं चक्कर दित्ती, मुरीद मुरीद पीरां नूं चक्कर दित्ती जांदे ने, पीर मुरीदां नूं चक्कर दित्ती जांदे ने, हैं पीर मुरीदां नूं, अजकल कई पीर भी मुरीदां दे चक्करां च आ गए, ऐसा मुरीदां कई पीरां नूं इंज दा चक्कर दिता है कि पीरां नूं विचारन नूं चक्कर ही आई जांदे, ओए चक्कर ही रह जाने ने। जिन्ना चक्करां दा अजर मिलना है वह बैतुल्ला दे चक्कर ने, दुआ करो अल्लाह बार बार करवाए। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा, अल्लाह 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 तवज्जो करना दरा, किड्डा सोना अल्लाह पाक दा दोबारा ते जिन्नों सारा जग वेखदा है, किड्डा सोना अल्लाह पाक दा दोबारा ते जिन्नों सारा जग वेखदा है, साडा ओहदे बिना हुंदा नहीं गुजारा ते जिन्नों सारा जग वेखदा है, ओ दूरों 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 चल के ते लोग बड़े आए ने, अल्लाह दिया रहमत ने कीते होए साए ने, अल्लाह सानू भी दिखा दे दोबारा ते जिन्नों सारा जग वेखदा है। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा, तवज्जो करना दराओ, खालके कायनात दा कुरान सुनिए, फरमाया औजु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, वलिल्लाहि अलन नास हिज्जुल बैत मन इस्तता इलैहि सबीला वमन कफर फइन्नल्लाहा गनीयुन अनिल आलमीन। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा, हदीसे पाक अंदर आंदा है, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, आका फरमांदे ने अल गाज़ियु फी सबीलिल्लाही वाला हाजू वाल मुतमरू, अल्लाह अल्लाह हम वफदुल्ला, फरमाया हाजी भी अल्लाह दा परौना है, गाजी भी अल्लाह दा परौना है, उमरा करन वाला भी अल्लाह दा परौना है, अल्लाह 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 सानू छेती छेती अपना मेहमान बना लै। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा, नबी पाक सलाम फरमाते ने जदों कोई गाजी कोई हाजी या कोई उमरा करने वाला अल्लाह पाक दी बारगाह दे अंदर कोई सवाल करदा है, अल्लाह पाक जो मंग लवे वो अता कर छड़दे ने, अल्लाह पाक उहदियां मुरादां पूरियां करदे ने। और मेरे पैगंबर ने फरमाया हज जिहड़ा है ना बिल्कुल सुन्नत दे मुताबिक करना, बिल्कुल नबी पाक दे दसे तरीके दे मुताबिक करना, और उहदे अंदर कोई जनाब है सूद दा पैसा ना लगाना, उहदे अंदर कोई हराम दा पैसा ना लगाना। जिहड़ा बंदा हज करदा है हज करदा है और जनाब उहदे अंदर कोई सूद दा पैसा नहीं लगांदा, हराम दा पैसा नहीं लगांदा, झूठ नहीं बोलदा, दौराने हज गाली नहीं कढ़दा, दौराने हज किसे नाल ज़ियाती नहीं करदा, सुन्नत दे मुताबिक करदा है। फरमाया हज करके जदों वापस लौटदा है इंज हो जांदा है जिवें मां दे पेट विचों अज पैदा होया है, सारे गुनाह अल्लाह पाक माफ कर देंदे ने, एडा अजीम फरीदा है। अल्लाह दी जात सानू बार बार हज भी कराए ते उमरा भी कराए,
अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा हजरात जीवकार इस तो इलावा इन्हां दिनां दे अंदर जिहड़ा सब तो ज्यादा अहम काम करन वाला वह है कुर्बानी वाला कुर्बानी करन वाला काम। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा ते कुर्बानी तीन किस्म दी हुंदी है। सब तो पहले वक्त दी कुर्बानी, फिर है माल दी कुर्बानी, फिर है जान दी कुर्बानी। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा सब तो पहला हजरात जीवकार वक्त दी कुर्बानी। मैं समझना आज दे दौर अंदर सब तो औखी कुर्बानी वक्त दी कुर्बानी है। आज दे दौर अंदर टाइम कढ़ना बड़ा औखा है। ऐ जनाब बंदे सारा काम कर लेंदे ने, पैसे भी कहिंदे ने देण नूं तैयार हां, फंड भी देण नूं तैयार हां, लेकिन आण दा टाइम कोई नहीं जी। मसरूफ बड़े हां, दुकानां खोलनियां ने, कारोबार करने ने, पैसे कमाने ने, साडे कोल टाइम कोई नहीं। अल्लाह 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 कई बंदे जुमे वाले दिन भी घड़ी वेखदे रहिंदे ने, लो हुण जुमा मुक्कण लगा हुण भजो, फिर पटदे ने छूटां ते फिर जनाब आके जमात नाल रल जांदे ने। हजरात ते दी वकार जुमे दा खुतबा सुनना फर्ज लाजम है, जरूरी है। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा तवज्जो करना दरा। अभी पाक अलैहि सलातु वसलाम ने फरमाया वक्त दी कुर्बानी। अल्लाह पाक ने अपनी पाक किताब कुराने पाक अंदर कईयां वक्तां दी कसम चुकी है। अल्लाह पाक ने कई औकात दी कसम चुक के रब दे कायनात ने सानू वक्त दी कीमत दसी है। कमो बेश अल्लाह ताला ने 10 तो ज्यादा वक्तां दियां कसमां चुकियां। अल्लाह फरमांदे ने तीन कसमां कठियां, फरमाया वल फजर वलयालिन अशर वशफई वल वतर। फरमाया कायनात दे लोगो मैनू फजर दे वक्त दी कसम है, मैनू फजर दे वेले दी कसम है। फजर दा वेला बड़ा कीमती है, फजर दे वक्त कुर्बानी दिया कर अपनी नींद दी, नींद कुर्बान करके अल्लाह पाक दे घर अंदर आया कर, नींद कुर्बान करके नमाज पढ़िया कर। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा। और दूसरे मुकाम ते अल्लाह पाक ने फजर दी अहमियत नु बयान फरमाया। अल्लाह फरमांदे ने अकीम सलाता लिदुलूकी शमसी इला गसकिल लैल व कुरान अल फजर इन्ना कुरान अल फजर काना मशहूदा। अल्लाह फरमांदे ने नमाज पढ़ मेरा पैगंबर और फजर वक्त कुरान पढ़िया करो, क्योंकि फजर वक्त कुरान दी बड़ी अहमियत है, फजर दी नमाज दी बड़ी कदर है। अंदाजा करना फजर दा टाइम इंज दा टाइम है जदों फरिश्तां दियां ड्यूटियां बदल दियां ने, दिन वाले फरिश्ते आ रहे ने, रात वाले फरिश्ते जा रहे ने। रात वालियां डायरी पूरी कर लिए, दिन वालियां डायरी शुरू कर दी है ना। अगर तू फजर टाइम उठ पैना है, नमाज पढ़ लेना है ना, जिन्ना डायरी खत्म कीती उन्हां तेरी डायरी दे एंड ते नमाज लिखी, जिन्ना डायरी शुरू कीती उन्हां डायरी दे शुरू च नमाज लिखी। ते जदों तेरी डायरी रब दी अदालत अंदर जाएगी ना, तेरी डायरी दा गाद भी नमाज तो होएगा, तेरी डायरी दी इंतहा भी नमाज तो होएगी। अल्लाह अल्लाह ओ जाग वीरा जाग वेला सरगीदा, जाग वीरा जाग वेला सरगीदा, दुध च पानी पा ले तू अपनी मर्जी दा। क्यों भाई इंज ठीक है कि नहीं? क्यों दोधियो की ख्याल है? दोधी भी कहंदे ने जी अज दुध महंगा हो गया। अल्लाह जानदा मैं मिट्टी का जिन्हों घड़ा कहते ने, मिट्टी का घड़ा लैन गया तो वह मैं आख्या एडा महंगा, कहते ने जी पेट्रोल जो वध गया। दसो भी घड़े का पेट्रोल का की तलक है? कई सब्जी वालों को जाओ कद्दू लैन टींडे लैन, कहते जी उन्होंने इन्ना रेट, कहते जी पेट्रोल वध गया। दसो बंदा पूछे भी कद्दू पेट्रोल से चलते हैं? अजीब तमाशा बने। अल्लाह 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 पाक हदायत ता फरमाए। ये कौम बड़ी अजीब कौम,
फिर एक पेट्रोल ऐसा ऐसा दा लभ्या, पेट्रोल का ना लैके भवे जड़ी मर्जी शह का रेट चुक दियो। अल्लाह 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 पाक समझता फरमाया, अल्लाह अल्लाह वो जाग बीरा जाग वेला सरगीदा उठ के कम तू कर ले रब दी मर्जी दा, वो जेड़ा बंदा उस दे दर उते आंदा ए मेरा अल्लाह उस ते करम कमांदा ए, कदर कर दाए अल्लाह उस दी अर्जी दा उठ के कम तू कर ले रब दी मर्जी दा। अल्लाह 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 हजरात दी वकार सब तो पहला वक्त की कुरबानी इस दौर अंदर हर बंदे नूं चाहिदा है वक्त की कुरबानी देवे, टाइम कढ अल्लाह वास्ते, टाइम कढ नमाज वास्ते, टाइम कढ अल्लाह दे दीन वास्ते। अल्लाह अल्लाह इस काम अंदर असीं सब तो पिछे आओ, सब तो पिछे आओ। ऐ मैनू जनाब बना बंगले के नौजवान विच बैठे हुए ने, इन्हां नूं सिर्फ मैं एक महीने बाद इन्हां कोलों एक घंटा मंगना मीटिंग वास्ते ताकि इन्हां दी सलाह की जाए, और जनाब ये जनाब इन्हां दी सलाह होए और जनाब अखलाकियात नूं दुरुस्त किया जाए। एक साल गुजर गया है, एक साल दे विच हजे तक असी वो टाइम ही नहीं पूरा कर सके। साल दी हालत ए वे कि कोई नौजवान आने लई तैयार नहीं, जड़े आंदे ने वो अल्लाह पाक उन्हें जजा दे, मतलब वो नाराज हो जाण, बाकी आ जाण ते जड़े आंदे सानू छड जाण, भी असी आंदे सां ते साडा ना लैणा छड़ता। जड़े आंदे ने चंगी गल ए, लेकिन बहुत ज्यादा नौजवान जड़े ने वो सुस्ती करदे ने। असी सारा कुछ कर सकने आ, वक्त की कुरबानी नहीं दे सकते, और सिर्फ अल्लाह दे दीन वास उंज असी जिथे मर्जी वेले बैठे रहिए। वो मैं एक दो दफा अगे भी तुहानू गल सुनाई, एक अंग्रेज आया ना पाकिस्तान, वो गया वापस, उन्हें लोगों पूछया हाँ भाई पाकिस्तानी कौम किवें दी कौम, उन्हें आखा जी पाकिस्तानी कौम इंज दी कौम है, इहदे नालों वेली कौम ही कोई नहीं ते इहदे नालों मसरूफ कौम ही कोई नहीं। उन्हें आखा वह किवें, उन्हें आखा जी मैं पाकिस्तान गया, मैं गड्डी च बैठा सा जा रहा सा, रेलवे फाटक को लंघिया तो रेलवे फाटक बंद सी, एक बंदा आया सैकल ते सी, उन्हें वेख्या फाटक बंद, उन्हें चुकया सैकल सिर ते रखिया ते फाटक बंद तो क्रॉस कर गया। मैं यार किड्डी कौम किड्डी शानदार कौम है कि जनाब वक्त वक्त जाया नहीं किया बंदे ने, ते जनाब लंघ गया। तो कहना मैं थोड़ा जा अगे गया ना, तो अगे फाटक क्रॉस किया, अगे चौक च बड़े बंदे खड़े स, बड़े बंदे, ते मैं पूछा ये की है, वो कहिंदे जी ये बंदर वाला आया मदारी लाई उन्हें, तो ये सारे खलो के मदारी पर वेखदे ने। वो कहिंदा मैं गौर नाल वेख्या सैकल वाला भी उत्थे ही खलोता से, वह भी उत्थे खलोता है, है? मैं हिसाब ला लिया भी ये सब तो मसरूफ कौम ही है, ये तो सब तो वेली कौम ही है। अल्लाह अल्लाह तवज्जो करना दराम हजरात जी वकार गौर कर दे जाना, वक्त दी कुर्बानी अगे आ गई माल दी ते जान दी कुर्बानी। अल्लाह पाक फरमांदे ने मेरे महबूब बयान कर दियो, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महियाया व ममाती लिल्लाही रब्बिल आलमी, फरमाया मेरे महबूब ऐलान करो ना, इन्ना सलाती मेरी नमाज व नुसुकी मेरी कुर्बानी लिल्ला अल्लाह वास्ते है, अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा। इस मुकाम ते गौर करो थोड़ा जिहा, पहले जिक्र नमाज दा फिर जिक्र कुर्बानी दा, हुण दूसरा मुकाम अल्लाह दे कुरान दा। फरमाया इन्ना आतैना कल कौसर, आतैना कल कौसर, आतैना किड़ा सोना कुरान है, आतैना कल कौसर, आतैना कल कौसर, फसल्ली लिरब्बिका वनहर, इन्ना शानियका हुवल अबतर। ऐ मेरे महबूब पैगंबर आतैना कल कौसर, असां तुहानू कौसर अता फरमा
दिती है। कौसर तो मुराद हौदे कौसर भी गए, कौसर तो मुराद मेरी नबी दी कसीर उम्मत भी गए। अगे फरमाया फसल्ले ले रब्बी का बनहर, ऐ मेरे पैगंबर नमाज पढ़ो ते कुर्बानी देवो। पहले जिक्र नमाज दा फिर जिक्र कुर्बानी दा, उत्थे भी पहले जिक्र नमाज दा फिर जिक्र कुर्बानी दा। इहदे चो दो मसले निकले, पहला मसला ये निकलिया ईद वाले दिन पहले नमाज पढ़नी है फिर कुर्बानी करनी है, ये ना होवे काड़ियां नहीं करनिया। ईद ते पढ़दे रवांगे बकरा ते कोई है ना, इंज नहीं करना। जिन्हें ईद तो पहले बकरा कीता ओदी कुर्बानी कोई नहीं, जिन्हें ईद तो पहले दुम्बा कीता ओदी कुर्बानी कोई नहीं, जिन्हें ईद तो पहले कट्टा कीता कट्टा की क्या कट्टा खोलिया कि नहीं खोलिया, हर साल खोलदा कट्टा, हर साल कट्टे दा मसला रौला पै जांदा, मौलवी सिंह फसा के बह जांदे ने। हमारा अल्लाह के फजल से मनहज मसलक और हमारा मक और हमारा अकीदा हमारा नजरिया आज से नहीं कई सालों से चलता आ रहा है। इस मिंबर से कभी हमने जुमले नहीं बदले, एक गल जेड़िया नबी पाक दे दौर च जानवर होए वो जानवर आज अवेलेबल ने मौजूद ने, ऊंट अल्लाह के पैगंबर के दौर में किया गया आज मौजूद है, और गाय अल्लाह के नबी के दौर में की गई आज मौजूद है, बकरा अल्लाह के पैगंबर के दौर में किया गया आज मौजूद है, दुमदार भेड़ की गई आज मौजूद है। वो जेड़े जानवर नबी पाक दे दौर च कीते गए या आपने कीते वो कसीर तादाद अंदर मौजूद ने। अवलीन तरजीह उन्हां जानवरां नूं दिओ ते जे भाई कोई कट्टा खोलना चाहे तुहानूं आखो खोला भरावा जा, उहदे ते कोई फतवा लाण दी लोड़ कोई नहीं। अल्लाह अल्लाह तवज्जो करना कदरा तेजी वकार गौर कर दे जाना दराओ, मैं जिन्हां बातां दा जिक्र पिया करना लिहाजा पहले नमाज फिर कुर्बानी एक मसला ते निकलिया, ते दूसरा मसला ये निकलिया कुर्बानी कबूल ही दिए जिहड़ा नमाजी है, बेनमाजी बंदे दी अल्लाह कुर्बानी कबूल नहीं करदा। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावां इस आप आओ मेरे मोहतरम दाइयो, पहले नमाजी बनो फिर कुर्बानी करने वाले बनो। मैं बड़े बड़े बेनमाजा अज की वेखी आए अफसोस पै करते ने, परेशान हुए बैठे ने, वो क्यों परेशान है यार, कुर्बानी करनी सी पर ऐद की कुर्बानी बड़ी महंगी है, मैं किवें कुर्बानी करा, मेरे को पैसे कोई नहीं। अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह के रसूल का हुक्म है, वो बाबा बेनमाजिया मैनू एक गल ते दस ना, ये हुक्म है अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल दा जिहड़ा पैसियां नाल मन्निया जांदा है, एक हुक्म है जिहड़ा बगैर पैसियां तो मन्निया जांदा है। इहदी बड़ी फिक्र करना है जिहड़ा बगैर पैसियां तो मन्निया जांदा हो क्यों नहीं मनदा। नमाज पढ़ना तेरा एक रुपया नहीं लगना, नमाज पढ़ना तेरे पैसे खर्च नहीं होने, इस हुक्म का बड़ा फिक्र है, उस हुक्म का फिक्र क्यों नहीं करदा। अल्लाह अल्लाह में कुर्बान जामा इस वापते मेरे मोहतरम दाइयो, पहले नमाज पढ़ो फिर कुर्बानी करो। कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती, मेरी कुर्बानी अल्लाह वास्ते, अल्लाह मैं गर्दन कटांगा कटांगा भी तेरे वास्ते, कटावांगा भी तेरे वास्ते। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जामा। हजरात जी वकार कुर्बान एक बड़ा अजीम मनसब है, कुर्बानी एक बड़ी अजीम चीज है। अल्लाह अल्लाह नबी पाक को पूछा गया महबूबा कुर्बानी दा जर की है, फरमाया एक एक बाल दे बदले अल्लाह पाक नेकियां ता फरमांदा है, हुण बाल गिने ते नहीं जा सकदे ना। अल्लाह अल्लाह ने कुर्बान जावा ते नाले अगली गल सुन लो हजरात ते जी वकार, अल्लाह पाक नु साडे अमलां नाल किन्ना प्यार है। फरूट मिल दाए किलो दे हिसाब नाल, सोना मिलदा है ग्राम दे हिसाब नाल, लोया तुलिया जांदा है टन
कन्ना दे हिसाब नाल हीरे जवाहरात तोले जांदे ने किरात दे हिसाब नाल लेकिन मेरे तेरे अमलां दी कदर इन्नी है बंदे दे अमल तोले जांदे ने जर्रियां दे हिसाब नाल जर्रे दे हिसाब नाल लामल तोलदा है फरमाया इजा जुलजिला तिलारजो जिलजाला खा वाखरा जाति लारजो असकाला खा वकाला लिंसानो माला खा यौमाई जिन तो खदिसो अखबारा खा भी अन्ना रब्दा का अवहाला खा यौमाई दी अजदुर नासो अश्ता तल्ली रौ अमाला हम फमें अमल मिसकाला जर्रातिल 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 खैरन यरा वमन यअमल मिसकाल ज़र्रतिन शर्रन यरा जर्रे भी अल्लाह पाक साडिया माल दे तोलदा है इस वास्ते नू छोटा अमल ना समझो अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा ते कुर्बानी नाल इज्जत वध दिए ऐ वेखो ना हुण जानवर अल्लाह दे रस्ते दे अंदर कुर्बान कीते जा रहे ने ना अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा ते कुर्बानी नाल तादाद वध दी है घट दी कोई नहीं आ कई जनाब अजकल लिबरल बंदियां नू बड़ा हैजा आया लो जी जानवरां ते जुल्म हो रहा है जानवर दुनिया तो घटदे जांदे ने दुनिया तो मुकदे जांदे ने कुर्बानी करन दी कादी लोड़ है कुर्बानी दी जगह ते किसे गरीब दा भला कर दियो जा वड्या तू खैर खावा अल्लाह दे नबी दे दौर विच गुरबत नहीं सी मेरे पैगंबर दे दौर अंदर इन्नी गुरबत सी कि बंदे मर जांदे सन ते कफन दे कपड़े ही पूरे नहीं सन हुंदे मेरे पैगंबर दे कई साहबी इंजदे ने उन्हां दे तन ते पाण नूं इक्को इक्को कपड़ा सी खुद मेरे नबी दे घर अंदर दो दो महीने तक चुल्हे विच अग नहीं सी बलदी लेकिन मेरे नबी ने कदी नहीं आखिया इस साल कुर्बानियां रहण दिओ इस साल कुर्बानियां दे पैसे वंड दिओ ना 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 इन्हां लिबरल बंदियां दे पिछे लगन दी लोड़ कोई नहीं कुर्बानी इज्जत दा नाम है कुर्बानी अजमत दा नाम है नाले जानवर घट दे कोई नहीं एक जनाब एनिमल रिपोर्ट दे मुताबिक इस वक्त पूरी दुनिया दी अंदर बकरियां दी ते बकरियां दी तादाद 1 बिलियन तो भी ज्यादा है इस वक्त पूरी दुनिया दी अंदर भेड़ां दी तादाद जिहड़ियां भेड़ां ने भेड़ां दी तादाद पूरी दुनिया दी अंदर 1.5 बिलियन है इस वक्त पूरी दुनिया दी अंदर गावां दी तादाद है 1.7 बिलियन है ये सारे जानवर कुर्बानी ते लगदे ने इन्हां दी तादाद ज्यादा है हालांकि बकरियां 1 बच्चा देंदियां ने 2 बच्चे देंदियां ने इन्ना ही है ना गां 1 बच्चा देंदी है 2 देंदी है ते कुत्ती सू पवे ते पूरे महल्ले नूं पता लग जांदा है लग जांदा कि नहीं कुत्ती 12-12 बाल देंदी है 12-12 उहदे गलूरे हुंदे ने ते ओह उहनां दी तादाद 900 मिलियन है यानी इहनां जां जिहड़े ज़िबा हुंदे ने उहनां दी तादाद किते ज़्यादा है ये कुत्तियां दी तादाद किते कम है पता लगा जिहड़े कुरबान हुंदे ने ओही वधदे ने जिहड़े कुरबानी देंदे ने अल्लाह उहनां नूं असमत अता करदा है अल्लाह अल्लाह मैं कुरबान जावां हज़रात ज़ीवकार तवज्जो करना दरा अक्सर इस दफा ऐ गल बंदे बड़ी आम पे करदे ने लो जी कुर्बानी आज की महंगी बड़ी है बड़े बड़े मैं अमीर बंदियां नूं वेखिया है बड़े बड़े पैसे वालियां नूं वेखिया है जिहड़े कंजरियां तो 2-2 लाख रुपया सुटदे ने अल्लाह अल्लाह वह भी जनाब मैं वेखे ने जिहड़े जनाब बड़े बड़े पैसे सुटदे ने वह भी कहिंदे ने जी कुर्बानी आज की बड़ी महंगी है किड्डी को महंगी है कुर्बानी किड्डी को महंगी है कुर्बानी ओडी महंगी नहीं जिड्डी महंगी जनाब इब्राहिम ने कीती है अल्लाह दी जमीन ते सब तो महंगी कुर्बानी करन वाला कौन है सैयद नाजरत इब्राहिम अलैहि सलातु वसलाम सब तो महंगी कुर्बानी करन वाले हजरत इब्राहिम पैगंबर ने जिन्ना कुर्बानी बकरे दी नहीं दिती जिन्ना कुर्बानी छतरे दी नहीं दिती जिन्ना कुर्बानी अपने जिगर दे टुकड़े दी दिती है जिन्ना कुर्बानी अपने लाल दी दिती है
एक बकरा तमे 2 लाख का भी हो जाए फिर भी उथे नहीं पहुंच सकता जिथे जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम पहुंचे ने। अल्लाह का कुरान बयान कर दाए फरमाते ने रब्बी हदली मिन सालिईन फबशरनाहु बिगुलामिन हलीम फलम्मा बलग मा गुस्साया قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت فعل ما تمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा अपने बेटे इस्माइल नू बुलाया बेटा मेरे कोल आना बेटा भी कीड़ा है जिहड़ा 85 साल तो बाद मिलिया है पुत्र भी कीड़ा है जिहड़ा चिट्टी दाड़ी वेले बाबे इब्राहिम नू मिलिया है। अल्लाह अकबर मैं कुर्बान जावा इंज दा पुत्र जिहड़ा हुंदा है उते हीरा हुंदा है इंज दा लाल जिहड़ा हुंदा है उते वाकई लाल हुंदा है इंज दा पुत्र जिहड़ा हुंदा है उते मंगा पुत्र हुंदा है इंज दा पुत्र ते पलेठी दा पुत्र हुंदा है। सुभान अल्लाह अपने कोल बुलाया और फरमांदे ने या बुनैया ऐ मेरे बेटा मैं ख्वाब अंदर वेखिया है मैं तेरी गर्दन ते छुरी पिया चलाना दस तेरा की इरादा है इस वास्ते नहीं पूछिया तेरा की इरादा है। अगर कहेगा ठीक है ते ज़िबा कर दियांगा और अगर कहेगा नहीं ते फिर छड़ दियांगा ना ना इसलिए नहीं पूछिया बल्कि अपनी तरबियत चेक कर नहीं पूछिया है। मैं अपने बेटे नू पालिया है पोसिया तरबियत कीती है मैं देखा मेरा बेटा की जवाब दिंदा है अगो बेटे का जवाब आया या अबतिफाल मातू उमर सताजिदुनी इंशा अल्लाह हो मीन सादरीन अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान होने को तैयार बाबा कहा है जबीने सर को झुका कर मैं कुर्बान होने को तैयार बाबा कहा है जबीने सर को झुका कर ये हुक्म रब्बानी है आला बाला ये हुक्म रब्बानी है आला बाला मैं खुश होगा गर्दन अपनी कटा कर सुनो मेरी मिल्लत के ऐ नौजवानों कुर्बानी ने हमको तरस ये दिया है रहो तुम तो हक पर मरो भी तो हक पर जियो तुम सदाए से सर को उठा कर। अल्लाह अल्लाह ने कुर्बान जावा अब्बा जी मैं तुहाडा हुक्म मनन लई तैयार हाँ। मुफसरी फरमांदे ने अल्लाह अकबर अल्लाह सुबह सुबह दा टाइम है सैयदना हज़रत इब्राहिम ने अपनी बेगम नू आखिया ऐ मेरी जौजा मुहतरमा मां जी हाजरा नू आखिया इंज करना मेरे बच्चे नू तैयार कर दे आज मैं अपने बेटे नू एक अपने यार नाल मिलाण वास्ते लैके जाना चाहना उन्हें छेती छेती तैयार किया सुथरे कपड़े पवाए इस्माइल नू सुरमा अखां च पाया इस्माइल दियाँ और लैके तुर पए हजरत इब्राहिम मकामे मिनाबल जाते पे ने इंज मकामे मिनाबल जा रहे ने। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा रस्ते जंदर शैतान ने वेखिया
गया, ए बड़ा कम खराब हुंदा पिया। वो सय्यदा हाजरा दे कोल गया, जाके कहिंदा हाजरा बीबी जानिए खलील अपने बेटे नू किधर लैके जा रही है। जी जी मैनू पता है किधर लैके जा रही है। हजरत खलील दे को दोस्त ने उन्होंने मिलान वास्ते लैके जा रही है। नहीं नहीं मां जी गल इंज नहीं। अच्छा फिर गल किंजे? आखे गल इंजे, इब्राहिम अपने बेटे नू ज़िबा कर लैके जांदा पिया है, मकामे मीना ते ज़िबा कर देना ले जाके। आखे ओ का तू ज़िबा कर देना, वजह की है? शैतान कहिंदा है हजरत इब्राहिम समझदे ने अल्लाह पाक ने हुक्म दे दिता है कि मैं अपने बेटे नू ज़िबा कर देवा। ते मां जी आजरा ने हथ विच रोड़ियां फड़िया, इंज करके पत्थर मारे बदबख्त नू, ते नाले ज़बान चो आखिया ओ चार दफा हो जा, जे रब दा हुक्म है एक पुत्र नहीं सौ पुत्र होवे ते मैं कुर्बान करन लई तैयार हाँ। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा, एते एक लाल है, मैं रब दे आर्डर तो सौ लाल कुर्बान।